आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम, आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100 सवा 100 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े वांकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज। एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। सभा की कार्यवाही, सभा की कार्यवाही इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था। मैंने कहा था देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं भारतवासियों के लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत ही विश्वास से भरा हुआ हूं। मेरा देश के 140 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य पर अपार भरोसा है, मेरा बहुत विश्वास है। दस वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, ये सामर्थ्य दिखाता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने हमेशा कहा है कि गरीब को अगर साधन मिले, गरीब को अगर संसाधन मिले, गरीब को अगर स्वाभिमान मिले, तो हमारा गरीब गरीबी को परास्त करने का सामर्थ्य रखे। और हमने वो रास्ता चुना और मेरे गरीब भाइयों ने गरीबी को परास्त करके दिखाया। और इसी सोच के साथ हमने गरीब को साधन दिए, संसाधन दिए, सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया। 50 करोड़ गरीबों के पास आज बैंक खाता है, कभी वो बैंक से गुजर नहीं पाता। 4 करोड़ गरीबों के पास पक्का घर है, घर उसके स्वाभिमान को
एक नया सामर्थ्य देता है। 11 करोड़ से अधिक परिवारों को पीने का शुद्ध जल पानी नल से मिल रहा है। 55 करोड़ से अधिक गरीबों को आयुष्मान भारत कार्ड मिला है। घर में कोई भी बीमारी आ जाए, उस बीमारी के कारण फिर से वो गरीबी की तरफ लुढ़क ना जाए, उसको भरोसा है कितनी भी बीमारी क्यों ना आ जाए, मोदी बैठा है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की सुविधा दी गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मोदी ने उनको पूछा जिनको पहले कोई पूछता तक नहीं था। देश में पहली बार रेहड़ी पटरी वाले साथियों के बारे में सोचा गया। पीएम स्वनिधि योजना से आज वो ब्याज के चक्कर से बाहर निकले, बैंक से पैसे लेकर अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं। देश में पहली बार हाथ का हुनर जिनका सामर्थ्य है, जो राष्ट्र का निर्माण भी करते हैं, ऐसे मेरे विश्वकर्मा साथियों के बारे में सोचा गया। उनको आधुनिक टूल, आधुनिक ट्रेनिंग, पैसों की मदद, विश्व एक मार्केट उनके लिए खुल जाए, ये मेरे विश्वकर्मा भाइयों के लिए हमने कहा। देश में पहली बार PBTG यानी जनजातियों में भी अति पिछड़े जो हमारे भाई बहन है, संख्या बहुत कम है, वोट के हिसाब से किसी को नजर नहीं जाती, हम वोट से परे हैं, हम दिलों से जुड़े हैं। और इसलिए PBTG जातियों के लिए PM जनमन योजना बना करके उनके कल्याण का मिशन मोड में काम उठाया है। इतना ही नहीं, सरहद के जो गांव थे जिनको आखिरी गांव करके छोड़ दिया गया था, हमने वो आखिरी गांव को पहला गांव बना करके विकास की पूरी दिशा बदल दी। आदरणीय जी, मैं जब बार बार मिलेट्स की वकालत करता, मिलेट्स की दुनिया के अंदर जाकर के चर्चा करता हूं, G20 के देशों के साथ लोगों के सामने गर्व के साथ मिलेट्स परोसता हूं, उसके पीछे मेरे दिल में 3 करोड़ से ज्यादा मेरे छोटे किसान हैं जो मिलेट की खेती करते हैं, इनका कल्याण, इससे हम जुड़े हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं, जब मैं मेक इन इंडिया की बात करता हूं, तब मैं करोड़ों गृह उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, उससे जुड़े हुए मेरे लाखों परिवारों के साथ उनके कल्याण के लिए सोचता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, खादी, कांग्रेस पार्टी ने उसको भुला दिया, सरकारों ने भुला दिया, आज मैं खादी के ताकत देने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ा हूं, क्योंकि खादी के साथ, हैंडलूम के साथ करोड़ों बुनकरों की जिंदगी लगी हुई है, मैं उनके कल्याण को देखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार हर कोने में गरीबी को निकालने के लिए, गरीब को समृद्ध बनाने के लिए अनेक विविध प्रयासों को कर रही है। जिनके लिए वोट बैंक ही था, उनके लिए उनका कल्याण संभव नहीं था, हमारे लिए उनका कल्याण राष्ट्र का कल्याण है, और इसलिए हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं।